Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. भारत के कई राज्यों में इस बार झमाझम बारिश हुई है। इस चक्कर में कहीं जगह मौसम सुहाना हो गया है तो कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो इस समय बारिश का सबसे ज्यादा कहर कहीं बरपा है तो वो है केरल राज्य। केरल में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई के लिए केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने वायनाड समेत 5 जिले मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पल्लक्कड़ जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए केरल के 12 जिलों में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गोवा, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। गोवा में 3 अगस्त तक बहुत भारी बारिश होगी, जबकि महाराष्ट्र में इसी तरह की मौसम की स्थिति रहेगी। आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 1 अगस्त तक बहुत भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई और 1 अगस्त को और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त को भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में 3 अगस्त तक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD ने 31 जुलाई को कर्नाटक में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं 31 जुलाई और 1 अगस्त को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है।